आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं हनान फातिमा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बीटीएस न्यूज चैनल पर। बीटीएस न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाते हैं। याकूतपुर असेंबली हल्के के बद्दी डिवीजन आए सदन में संकेसर बाजार के पास एक प्रोजेक्ट का बड़ा काम, जिसका इफ्तिताह आज से 6-8 महीने पहले मैं किया था, वो काम चल रहा है, लेकिन अब तीन चार महीने से काम रोक दिया गया। ये बस्ती से जो नाला जा रहा है, ये बस्ती के लोगों को 4 महीने से जाने आने के लिए रास्ता बंद हो गया, तकलीफ बहुत है। आज सुबह में यहाँ से एक फोन आया मुझे कि यार रात को एक बच्चा स्लिप हो गया था, मोहल्ले वाले बचा लिए, फिर वो आने के लिए बताए। मैं फौरी आया, ये मुआयना किया, जोनल कमिश्नर के पास इसकी मीटिंग रखेंगे, यहाँ से एक दो आदमियों को बुलाया हूँ मैं 3 बजे, और उनको बात करके इमीडिएट काम स्टार्ट करेंगे। अब उनका आंसर ये रहता कि कंट्रैक्टर हड़ताल कर रहे हैं, काम रुका हुआ है। हड़ताल तो थोड़े दिन हुआ शुरू हो, काम तो पहले से रुका हुआ है। हमको काम से मतलब है, हड़ताल का मैटर है, वो कॉरपोरेशन तय करे, लेकिन काम इमीडिएट शुरू करे और नॉन स्टॉप करके काम जल्द से जल्द कंप्लीट करे, ये हमारा डिमांड है। फिर मीटिंग में उसके बात करेंगे, और भी यहाँ कभी भी कोई ज़रूरत पड़ी तो यहाँ के लोग जब भी फ़ोन करेंगे, मैं आके उनकी मदद करूँगा, देखूँगा जो करना है बराबर करूँगा, क्योंकि ये गुत्थेदारों का रवैया था, 4-4 महीने काम को रोक देके जाते, घरों के सामने खोद के डाल दिए, घर से निकल नहीं सकते। घर बड़े आदमी कैसा भी चलेंगे, बच्चे अगर निकल के कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेते इसका? यहाँ बच्चा गिरा बोले रात को, ये लोग उठा के बचा लिए उसको, लेकिन अब ये बताऊंगा इन लोगों के कहीं भी खुदा ना खास्ता हादसा तो पहले पुलिस में FIR करे गुत्थेदार के खिलाफ, उसके बाद उन्होंने काम में तेजी पैदा करते। मैं बहुत पूरी कोशिश करके जल्द से जल्द काम शुरू कराऊंगा। अभी आपका याकूतपुरा कांस्टिट्यूएंसी इतना बड़ा है, कांस्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत कॉलोनियां हैं, ये बॉर्डर को आ गया, ये बिल्कुल बॉर्डर, ये कॉलोनी फार्म होके इतने सालों हो गए, तकरीबन 60 साल के ऊपर, ये 60 साल से आज तक कौन सा भी रूलिंग पार्टी आने दो, कौन सा भी MLA आने दो, ये कॉलोनी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर रहे। आज आपको इन्फॉर्मेशन देते ही बहुत इमीडिएटली आप आ गए, एक्शन लेने को रेडी है, ये खुशी की बात है, लेकिन ये कॉलोनी का कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं कर रहे? यहाँ कॉलोनी से पहले भी आया, मैं यहाँ MP साहब अपने बजट से कुछ कामा भी मंजूर करा है, कामा हो रही भी यहाँ पे। मेरी आदत है जहाँ से कम्प्लेन आता है मैं जाता हूँ, देखता हूँ, काम कराता हूँ। आप इतला करें, अगर आज के बाद आपके जरिए बोल रहा हूँ मैं, कोई भी मुझे कॉल करने दो, मैं आके काम देखूंगा, काम करूंगा। और एक बात है साहब, ये कॉलोनी को कुछ ये वेलफेयर एसोसिएशन का कुछ रूम नहीं है लोगों को कॉलोनी का कुछ मीटिंग करने के लिए? बताइए आप कहाँ बनाना चाहते हैं, मैं से बोल के कराइए, जो भी मसाइल है बोलिए आप। आपके काम में अगर मैं लापरवाही कराता हूँ, मेरा कंप्लेंट करिए आप। थैंक यू सर। ఎవరికి చెప్పినారు మీరు? ఒక బార్ మీరు రండి, అక్కడ జునల్ దగ్గర రండి, ఎవరైనా పంపండి, ఎట్లయినా పంపాలా। ये यहाँ तक काम हुआ हो? स्लैब पड़ गया, स्लैब ये वहाँ तक स्लैब पड़ा था, तो सेंटरिंग है पहले, सेंटरिंग के आगे जो है स्लैब पड़ गया। अभी ये 10 फुट अंदर है साहब, ये पाइपलाइन है, वो कलवर्ट बॉक्स है, कल नाइट में पानी ये लेवल को है, RSO वालों को गड़ा है क्या है नहीं मालूम, कल ये लोगों का అవి ఇప్పుడు సారి నారాయణ గారు పని చూస్తుంటే దానికి వచ్చినారు, ఈ శరుణ గారు ఒక నిమిషం మాట్లాడండి। हेलो हाँ नमस्ते, रिसेंटली की वर्क अभी आई
क्या बोला यही को फोन करा बात करें क्या बोला उन्हें यही क्या बोला कितना काम कई गुरु के पूछना था ना तो खरीदे तो बोलता हूँ हफ्ते के नीचे लिखा हुआ है कहीं से लिखा हुआ है तीन बजे आते कमिश्नर के जोनल के पास 3 बजे मैं आता आपके हफ्ते बाहर आते जोनल से मिला के बात करा ठीक है एक बार पूरा एक बार नहीं उद्योग का एनएमसी के साथ अब मर्ज से पाएं छुटकारा शुगर पर कंट्रोल दिमाग को तकवीत जिस्म के मुदाफती निजाम और मर्दाना ताकत में इजाफे के लिए एनएमसी प्रोडक्ट्स का करें इस्तेमाल डायबिटिक क्यूर जीजाइम एडवांस स्टिम सेल नाइट राइडर स्लिम ट्रिम के अलावा दीगर अमराज जैसे कमर दर्द जोड़ों का दर्द बवासीर गुर्दे की पथरी और कोलेस्ट्रोल जैसे अमराज के लिए मुकम्मल और कामयाब इलाज आज ही राब्ता करें जिमरिज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूटर तेलंगाना एनएमडीसी रोड गुलशन बियाबानी विजयनगर कॉलोनी हैदराबाद